आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। जो व्यक्ति तुमसे नजरें नहीं मिलाना चाहता, जिसकी नफरत मतलब से कई गुना ज्यादा बढ़ गई है, जो तुम्हें दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक मानता है, जो सिर्फ और सिर्फ तुमसे नहीं मिलना चाहता या तुमसे बात नहीं करना चाहता, शादीशुदा जीवन या प्रेम का जीवन बिगड़ गया हो तो क्या करें, इससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है, ऐसी कंडीशन को पूरी तरह से ठीक की करने की व्यवस्था है। सामग्री के नाम पर तुम्हारे किचन से थोड़ी सी सामग्री चाहिए। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है शादी के पहले शादी की बाद की हर समस्या का समाधान। वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, पारिवारिक जीवन या आपकी लव लाइफ, उसे पूरी तरह से रिपेयर करने का काम लव विद एस्ट्रोलॉजी में होता है। यहां पर पिछले 20 सालों में अभी तक 21 लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं और सक्सेस रेट है यहां का 95% प्लस, और ये सब कुछ बराबर जारी रखा गया है। इतनी बड़ी संख्या में लोग कैसे बेनिफिट पाते हैं, कैसे ठीक हो जाते हैं, कैसे उनका काम होता है, क्योंकि यहां बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है रोज। गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथ, उनका निचोड़ निकालकर आपके सामने साझा किया जाता है उपाय। रिश्तों की मर्यादा, रिश्तों में प्रेम, रिश्तों में आदर, रिश्तों में सम्मान, रिश्तों में एक दूसरे के प्रति संभावना, एक दूसरे के परिवार के प्रति भी आदर सम्मान और प्रेम होना, ये सब कोई चाहता है। पर अगर इन सब चीजों का अभाव हो तो क्या करें। आज का उपाय हम कह रहे हैं कि ये छोटा सा काम कर लेने से आपका वैवाहिक जीवन सुखमय हो सकता है। आज हम कह रहे हैं कि ये छोटा सा काम कर लेने मात्र से आपके प्यार में फिर से बॉन्डिंग आ सकती है। आपको चाहिए 3 चम्मच जीरा। अब देखिए, जीरा अपने आप में तुम्हारे हर खाद्य पदार्थ को पाचन तंत्र में मजबूत करने का साधन है। ये बात भी आज पचाने की कोशिश करना कि जीरा ही वो औषधि है जिससे प्यार बढ़ता है। जीरा हमेशा बहुतायतता को सूक्ष्मता में दर्शाने के लिए बताई गई सामग्री का नाम है। उदाहरण स्वरूप, कई सारे लोग पर्यायवाची में कहते हैं कि ऊंट के मुंह का जीरा, यानी ऊंट का मुंह बहुत बड़ा और जीरा बहुत छोटा, समझ ही नहीं आएगा। तो उपाय ऊंट के मुंह के जीरे जैसा है। उपाय बड़ा सरल है और फायदा कितना होने वाला, ऊंट के मुंह जैसा, बहुत सारा बड़ा। जीरा तांत्रिक व्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। मैं एक महत्वपूर्ण बात और बताता चलूं, जो तंत्र के जानकार हैं वो लटजीरे की जड़ से दुनिया के बड़े बड़े काम कर लेते हैं। लटजीरे की जड़, और ध्यान समझना, लटजीरे की जड़ औषधि तो है ही है। आपके दांत में कोई दिक्कत हो, मुख में आपकी दुर्गंधी हो, आपके आपके अपने रिलेशंस में खराबी हो रही हो, आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र करने वाला हो, आपके घर में कोई अशुभता हो गई हो, आप लटजीरे की जड़ सही नक्षत्र में, अच्छे मुहूर्त में घर में शुद्ध करके रख लीजिए गाय के दूध से धुल करके, देखिए सारी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। कुछ नहीं करना है, कोई तंत्र मंत्र नहीं चाहिए। लटजीरे की जड़ किसी भी शुभ मुहूर्त में ला करके कच्चे दूध से धुलकर अपने घर में रख लीजिए, मात्र हो जाएगा आपका काम। लटजीरे की जड़ पहन लीजिए, आपकी आपके दुनिया भर के रोग समाप्त होने लग जाएंगे। हाँ, लटजीरे की जड़ अपने तकिए के नीचे रख करके सो जाइए, आप दुस्वप्न नष्ट हो जाएंगे, खराब सपने नहीं आएंगे।
दुःस्वप्ननाशनीं धन्यां प्रभेदद्या महेश्वरीं, ऐसा बोलते हैं। दुःस्वप्न को नष्ट करने की औषधि है ये। जो बच्चा बहुत जड़ता हो, बहुत डर जाता हो, चौंक जाता हो, उसे आप लटजीरे की जड़ पहना दीजिए, ठीक हो जाएगा। अरे 1 करोड़ उपाय हैं इसके भैया, पर मैं आज लटजीरे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ जीरे की बात कर रहा हूं। तुम्हें अगर औषधि में लटजीरा मिले तो भी बहुत काम करता है, क्योंकि ये सब जगह मिलता नहीं, इसलिए हमने लटजीरे का सारा प्रयोग आपके जीरे में डालकर समझाने की कोशिश कर रहा हूं आज। जीरे से तुम्हारा परिवार बच सकता है। मैंने देखा है जिनके सप्तमेश अपने से 4, 8, 12 में हो, जिनके सप्तमेश मंगल, शनि, बुध और बृहस्पति के संसर्गता में हो, उसके बावजूद ठीक हो जाता है। सप्तमेश अगर अष्टम में बैठ जाए तो कहते हैं 2-3 शादियां होती हैं, उसके बाद भी विवाह नहीं चलता, ऐसा माना जाता है। परंतु जीरा और लटजीरा ये दोनों चीजें इसको ठीक कर देती हैं। आज उसी संदर्भ में आपको बात कर रहा हूं, उसी संदर्भ में आपको उपाय बताने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से समझ कर करना, इसमें डेफिनेटली तुम सफल हो जाओगे। पूरा उपाय आपको बताऊं उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव ले रहा हूं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरु जी, मेरा भाई बहुत बहुत बीमार था 8 सालों से। मैंने बहुत जगह उसका इलाज करवाया, पर जब से आपकी संस्था में पूजा करवाई है तब से वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है, हैप्पी हो गया है और अब स्वस्थ भी हो गया है और फाइनली अब जॉब करने लगा है वो। और आपकी चरणों में कोटि कोटि नमन है प्रभु, और आप अपना आशीर्वाद दीजिए प्रभु कि यूं ही वो खुश रहे, ऐसे ही कमाए खाए और हमेशा आपका गुणगान करे। ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव जी की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव तुम्हें प्रसन्न करे, आनंदित करे, हर इच्छाओं की पूर्ति करे, जो तुम पाना चाहते हो तुम्हें जरूर मिले, और तुम्हारी सब तरफ से जय जयकार हो। तुम्हारी जय जयकार क्यों? क्योंकि तुमने विश्वास किया, तुमने श्रद्धा रखी, तुम इतना आगे बढ़े तभी सब कुछ ठीक हुआ, इसलिए तुम्हें भी धन्यवाद। अब मैं उपाय की बात कर रहा हूँ। वैसे तो लटजीरा इस उपाय में काम करता है, पर लटजीरा अगर तुम्हें नहीं मिलता तो नॉर्मल जीरा भी उतना ही काम करता है। बस नॉर्मल जीरे को आपको क्या करना है कि तुलसी की छोटी छोटी सूखी हुई डंडियों के साथ रख करके ये उपाय करना है, तो वो लटजीरे जैसा प्रयोग बन जाता है और उसका वैसा ही प्रभाव बन जाता है। लटजीरा अगर सीधा सीधा मिल जाए तो कहना ही क्या, उसको डंडी के साथ रखिएगा उसके, ठीक है। अब करना यह है कि जिस दिन आपको ये प्रयोग करना हो उसके पहले किसी भी बर्तन में रख करके इसे आप हाथ रख करके अभिमंत्रित कर दें और ये कहें कि मैं कल इसका प्रयोग करने वाला हूं, कल मैं इसको उपयोग करूंगी या करूंगा, मुझे वो शक्ति प्रदान करें। और क्या बोलना है, ये सब बोलने के पहले आपको एक मंत्र बोलना है, ओम अंग कंग चन तन तन पम यम वीं, ये बोलना है। ये लगातार कंटिन्यू 5 से 7 बार बोलिएगा। ये शब्द बोलने के बाद इसे एक जगह रख दीजिए। दूसरे दिन किसी भी नॉर्मल ग्लास में, कटोरी में पानी रख करके उसमें थोड़ा 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 ये सब कुछ डालें और अपनी परछाई देखें, और अगर संभव हो आपके पास तस्वीर हो अपने पार्टनर की तो बहुत अच्छा, नहीं तो एक कागज में नाम लिख करके उसमें डुबा दें थोड़ी देर, और जब उस कागज का कलर चेंज होने लग जाए उसके बाद उसे उठा करके कागज को सुखा लें और ये बचा हुआ जल कहीं बाहर फेंकवा दें। अब जब कागज थोड़ा सूख जाए उसके बाद उसमें आग लगा दें। ऐसा करने से आपकी सारी की सारी समस्याएं जल जाएंगी और आपके बीच का द्वेष समाप्त होगा। अब तुम्हारे बीच में प्रेम बढ़ेगा, अब तुम्हारे बीच में वो संबंध में मधुरता और एकाग्रता और दृढ़ता आएगी जो 7 जन्मों तक समाप्त नहीं हो पाएगी। पूरी श्रद्धा के साथ करना, पूरे विश्वास के साथ करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें देने को तो कुछ भी ऐसे ही यूं ही दे सकता हूं, लेकिन जब तक तुम अपनी तपस्या में खरे नहीं उतरते तब तक कुछ मिलता कहाँ है। ध्यान से रहना, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना, प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना और रोना बिलखना परेशान होना ये सब बंद करना पड़ेगा। जब तक तुम अपना ध्यान नहीं रखते तब तक तुम्हारा कोई ध्यान रखने वाला नहीं आएगा। रोने से अच्छा है मुस्कुरा कर उसकी तैयारी कीजिए आगे बढ़ने की, जीत जाइए। हारने से अच्छा है जीत पर खुशियां मनाइए। मैं हूं तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय।